आज हमारे लिए गांव से ऐसी चीज़ें आने वाली है जिसने जिनको हमने बचपन में खूब खाया है और आज जब हम बड़े हो गए तो उनको खूब मिस कर रहे हैं, लेकिन आज फिर हमारी वो पुरानी यादें ताज़ा हुई है। और आप देख सकते हैं ये छोटे से बॉक्स में बहुत सारा खजाना निकला है, तो हम धीरे धीरे अनबॉक्सिंग करेंगे और एक एक चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप देख सकते हैं चकली बोल सकते हैं इसको, ये हमने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाई है इसको और अब बड़े हो गए तो मिस कर रहे हैं बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं इमली, बिल्कुल आप सभी ने भी खाई होगी इमली। और इमली के बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है वो देख सकते हैं आप, ये आम पापड़, आम पापड़ी है ना, ये खट्टम खट्टा, खट्टम खट्टा वाला है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा खाते थे, एक एक दो दो रुपये के लिए हम तरसते थे उस टाइम कि एक रुपया मिल जाए और आम खट्टम खट्टा खा लें हम। और नेक्स्ट जो वेरिएंट है हमारे पास वो सनम सुपारी, बिल्कुल आज भी कुछ लोग खाते होंगे लेकिन हम तो बचपन में खूब खाए हैं सनम सुपारी। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है आम पापड़, बिल्कुल एकदम खट्टा सा बढ़िया, एकदम एक दो रुपये में उस टाइम मिलता था, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आज भी। और आज वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई। ये आप देख सकते हैं क्या नाम है इसका, ये चिरानिया मसाला आम पापड़, ये थोड़ा नया वेरिएंट है, उस टाइम नहीं मिलता था लेकिन आज नई नई कंपनियां जैसे जैसे आ रही है नए वेरिएंट बना रही है। और ये आप देख सकते हैं ढेरो, ये पता नहीं क्या है, ये है फॉइल पेपर वाली इमली, फॉइल पेपर वाली इमली बहुत ही अच्छी है, नया वेरिएंट है ये भी, उस टाइम नहीं मिलता था। और अभी देखना है कि पेपर में लपेटे हुए कुछ आइटम वो क्या है आइटम, वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। और ये देख सकते हैं पेपर में क्या खजाना है, ये आप देख सकते हैं वो क्या बोलते हैं नारियल की जो चक्की आती थी, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी है, उस टाइम मिलती थी और स्कूल में खूब खाया करते थे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हाँ, आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपने बचपन में खूब सारी खाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।